जय हिंद, नमस्कार साथियों। CI साहब कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल अगर आप सभी देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और जो बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने अभी आगे आने दिनों में जाने वाले हैं उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट को लेकर। काफ़ी भाई यहाँ पे परेशान है कि बता दीजिए हमारा ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा CI साहब ट्रेड्समैन फिजिकल को लेकर। फिजिकल किस प्रकार से हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मैं सेंटर से जाकर वहां से जानकारी लेकर आया हूं। और आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा कि जहां से मैं लाइव एक बच्चे के यहां पे मैं इंटरव्यू लिया था, जिससे मैंने बताया था, बाकी बच्चों के यहां पे जानकारी मिली थी फिजिकल कैसे हो रहा है। लेकिन अभी जो हमको अपडेट मिली है फिजिकल सेंटर से, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। और ट्रेडर्स कैसे पास कर सकते हैं इसके बारे में भी आज को आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो अगर देखेंगे तभी आपको यहां पे समझ में आने वाला है। उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आप सबके लिए इस प्रकार से अपडेट इस चैनल पर लाता रहता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आपने CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में फॉर्म को आवेदन किया था तो यहाँ पर 5 अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, और जो कि ये पूरा महीना फिजिकल चलने वाला है CISF ट्रेड्समैन का। पोस्ट की बात करें तो 787 पोस्टों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो बेशक आपने यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन तो किया ही होगा। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर आप सभी यहाँ पर फिजिकल देने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी का PST हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मतलब हाइट चेस्ट वेट हो रहा है, और हाइट और चेस्ट में किसी को भी छूट नहीं मिल रही है। अगर जिसका भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इतना छूट मिलेगा उनको मिल रहा है। बाकी अगर आपकी सोच रहे होगा कि अगर हमारी हाइट यहाँ पे 169 है और हम भर्ती देखने चले जाएं तो क्या हमारा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइट जो है काफ़ी बारीकी से नापी जा रही है, और जिसका भी हाइट यहाँ पे कम है उसे डायरेक्ट बाहर किया जा रहा है। अगर आपकी हाइट वहाँ पे 169.9 सेंटीमीटर है तो भी आप सबको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइट अगर आपकी है तो ही आप सभी यहाँ पर फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बात करते हैं चेस्ट की, चेस्ट आप सभी के यहाँ पे 80 से 85 माप रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना यहाँ पे कंपलसरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चेस्ट को नहीं फुला पाते तो आप सभी फिजिकल सेंटर से बाहर कर दिए जाएंगे, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सभी यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखते हैं कि मुझे चेस्ट जो है शुरू में ज्यादा नहीं फुलाना है और बाद में आपको खींच देना है, तो 5 सेंटीमीटर नहीं मेरे दोस्त, आपके यहाँ पे चेस्ट 10 सेंटीमीटर भी फूल सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे हाइट चेस्ट मापा जा रहा है, छूट बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, जितना है उतना ही मापा जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि हमारा इतना हाइट था और मुझे निकाल दिया गया तो आपकी हाइट उतनी बार वहां पर मापी जाएगी जब तक आप सभी वहां पर संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सब आप सभी नजर रखे रहना। अब बात आती है यहाँ पे वेट को लेकर, वेट वजन में कोई बच्चा यहाँ पे बाहर नहीं हो रहा है, ओवर वेट कितना भी उछल जाएगा, और नॉर्मल वेट आपका 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे रनिंग की, जैसे आप सभी यहाँ पर PST क्वालिफाई कर लेते हैं हाइट चेस्ट वेट, फिर आपका यहाँ पे PET होगा, रनिंग होगा। रनिंग आप सभी की यहाँ पे 1600 मीटर हो रही है, ठीक है। और टाइम की बात करें यहाँ पे तो आप सबको 6:30 का समय दिया जा रहा है, 6:30 के अंदर आपको यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। अगर आप सभी इस रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं 6:30 के अंदर, तभी आप सभी PET PST क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप सभी यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप सभी को यहाँ से भी बाहर कर दिया जाए। लेकिन एक बात आप सभी ध्यान में रखिएगा, एक ट्रिक है जो आप सभी फॉलो करेंगे तो फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। आप सबको यहां पे ध्यान देना है कि अगर आपका यहां पे अगर चाहे ग्राउंड में हो रहा गोल गोल रनिंग हो रहा है, चाहे आपका रोड पे हो रहा है, 800 मीटर जाना है और 800 मीटर आना है, ठीक है, यहाँ पे आपको टोकन दिया जाएगा, ठीक, उसी को लेकर आपको वापस आना है, और यहाँ पर आपको रस्सी लगी रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर आप सभी 6:30 के अंदर रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सभी पास हो जाएंगे। लेकिन आप सबको विशेष ध्यान देना है, जाते वक्त आपको बिल्कुल नॉर्मल जाना है और इतना भी स्लो नहीं जाना है जिससे आप सभी फेल हो जाए, ठीक है, सबके बीच में ही रहना है। और जब आप सबको यहाँ पर टोकन ले लीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर रफ्तार भर देना है, और रफ्तार आपको इतना भी तेज नहीं भागना है कि आप सभी 200 मीटर दौड़ कर रुक जाओ। मतलब आप सभी इतना याद रखना हमें अभी 800 मीटर और चलना है और उसी हिसाब से आपको भागना है, ठीक है। और यहां पे अगर बात करें आप सभी को फिजिकल को आसानी से आप सभी क्वालिफाई कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी बात यहां पे ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यू रनिंग करते रहना है, बीच में रुकना मत, क्योंकि शुरू में जब आप सभी यहाँ पे 200-300 मीटर भाग लेते हैं तो आपके अंदर काफ़ी सारा यहाँ पे निगेटिविटी आती है, बस अब रुक जाओ बहुत हो गया अब हम रनिंग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रनिंग आप सभी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको वहाँ पे पेशेंस रखना है और लगातार आपको पैर अपना आगे बढ़ाते रहना है, आप सभी रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। 6:30 बहुत होता है, ठीक है, 1600 मीटर रनिंग के लिए आप सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पर रनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं,
तो आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपका यहाँ पे 50 का बैच बनाया जा रहा है और लगभग 5 बच्चे नहीं तो 6 बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं रनिंग में, बाकी सारे बच्चे यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे पास हो सकते हैं। जैसे सब यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई करते हैं, फिर आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है, कागज आपका क्या चेक हो रहा है मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपको बता दें यहाँ पे सियासत टेस्टमैन का एक एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप सभी के पास यहाँ पे एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी हो आपका चल जाएगा। साथ ही आप सभी के पास यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म भरते समय 12वीं या ग्रेजुएशन लगाया है तो उसको भी आप सभी लेकर जाइएगा, उतनी उसकी भी मार्कशीट आपका लगने वाला है वहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पर सबका लगने वाला है। वहाँ बात करें कास्ट सर्टिफिकेट केवल यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का लगने वाला है, बाकी किसी का भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको लेकर जाना है। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक, इतना आप सभी विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे EWS वालों का EWS का सर्टिफिकेट लग रहा है वो आप सभी लेकर जाइएगा, ठीक है। जो भी EWS से फॉर्म को अप्लाई किया उनको लेकर जाना है। कार सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, 5 फोटो आपको लेकर जाना है साथ में, इतना नहीं लगेगा लेकिन आप सभी लेते जाइएगा इतना फोटो, ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लेकर जाना ही जाना है, इतना डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। सभी डॉक्यूमेंट की आपके पास 2-2 फोटो कॉपी भी होना चाहिए। साथियों जो हो रहा सेंटर पे मैं आपको वही बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। 2-2 फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है सेंटर पर। जब सभी इतना लेकर जाएंगे तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमको ये बता दीजिए ट्रेड टेस्ट कैसे हो रहा है। तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पे इजी नहीं हो रहा है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए ट्रेड टेस्ट इजी नहीं हो रहा है। अगर आपने अभी तक मेरी कुक की ट्रेड टेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जाकर आप सभी देख लीजिए कि कुक का ट्रेड टेस्ट आखिर हो कैसे रहा है, ठीक है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कुक का ट्रेड टेस्ट कैसे होगा क्या होगा, सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, फटाफट जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। कुक के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप सभी उस वीडियो को देख लीजिएगा, आसानी से सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए ये हो गया। अब बात आता है वूट मेकर वगैरह आप सभी परेशान मत होइए, बस आप सभी जूता पॉलिश करना सीख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए हैंडलिंग ऑफ टूल्स ये भी सीख लीजिए। और यहाँ पे बात करें मेरे दोस्त, आप सभी बस थोड़ी बहुत इसमें नॉलेज रखिएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात करें टेलर की, टेलर में आप सभी को यहाँ पे कपड़े वगैरह काटना आना चाहिए, ठीक है। कपड़े आपको मिलेंगे वहाँ काटने के लिए, जी हाँ दोस्तों मिलेंगे आपको काटने के लिए। और आपको एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, मतलब ये सब आपको वहाँ पे आना चाहिए, तभी आप सभी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, 3 चीज़ दिया गया है, ठीक है, ये 1 3 2 3, ठीक है। हर एक स्टेप में 3 चीज़ दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ पे कुक का ट्रेड टेस्ट होगा तो यहाँ पे आपसे 3 चीज़ पूछा जाएगा, ये इन तीनों में से अगर आप सभी 1 गलत करते हो और 2 सही बता लेते हो तो आप सभी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपने इसको भी गलत बता दिया, इसको भी गलत बता दिया और ये आपने सही बता दिया तो आप सभी यहाँ पर ट्रेड टेस्ट फेल हो जाओगे, ट्रेड टेस्ट पास नहीं कर पाओगे, ठीक। तो इन तीनों में से आपको 1 सही जरूर, 1 गलत बता देना, अगर 2 सही बता रहे हो तो आप सभी यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से बूट मेकर में है, टेलर में है, बार्बर में आप सबको यहाँ पे बाल काटना आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए काटना, ठीक है। और सेविंग करना, दाढ़ी बनाना भी आपको आना चाहिए और हेयर कटिंग बाल काटना आपको आना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ टूल्स भी आना चाहिए। मतलब इन तीनों में से आपको तीनों चीज़ पूछा जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 2 सही बता दिया और 1 आपसे गलत हो गया है तो आप सभी यहाँ पर पास हो जाएंगे। यदि आप सभी यहाँ पर 2 गलत बता देते हैं तो आप सभी यहाँ पर फेल कर दिए जाएंगे, यानी आपको यहाँ पर 75% लेकर आना, ठीक है। वाशरमैन में आपको यहाँ पे कपड़े धुलाएंगे और कुछ यहाँ पे पूछेंगे आपसे कॉटन वगैरह, ठीक है, यह सब आपको बता देना है। और तीनों आपसे पूछेंगे तीनों में से अगर आप सभी यहाँ पर 2 सही बता देते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें स्वीपर की, यहाँ पे आप सबको साफ सफाई आना चाहिए, टॉयलेट वगैरह किस क्लीनर से साफ करें जिससे ज़्यादा अच्छा होगा, और कुछ क्लीनर के आपको नाम भी बताने होंगे। इस प्रकार से आप सभी यहाँ पर अच्छे से पहले से ही साफ सफाई बारे में जान लीजिए, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको अगर आप सभी 2 बहुत सही बताते हो तो आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे टेस्ट, ठीक है। अब बताती है यहाँ पे पेंटर के बारे में, यहाँ पे कुछ पेंटर कलर वगैरह के बारे में पूछेंगे कि यहाँ अगर मान लो येलो और रेड को मैंने मिला दिया तो कौन सा कलर बनेगा, ये सब आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और पेंटिंग को ड्राइविंग वगैरह आपको आना चाहिए कि कुछ ड्राइविंग मतलब आपको करने के लिए दिया, आपको ये करना आना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे मेसन का भी यहाँ पे कुछ पूछेंगे मेरे दोस्त, मेसन में आपको 4 सवाल पूछेंगे, जैसे यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसमें आप सबको 3 सही बताते हो तो सभी यहाँ पे क्वालिफाई कर दिए जाओगे। बात आती है प्लम्बर के लिए भी साथियों आप सभी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप सभी टेस्ट फेल हो जाएंगे। टूलाई पाइपलाइन, ठीक है, मतलब कैसे आपको पाइपलाइन वगैरह करना है, मतलब कैसे अगर मान लो ऊपर टंकी रखी हुई है तो कहाँ कहाँ मतलब टोटी वगैरह लगाना है, मतलब कैसे क्या करना है, कहाँ से आप पाइप लगाएंगे, मतलब आपसे वहाँ पर जानकारी लेंगे, ठीक, आप सबको वहाँ पर बताना है। अगर आप सभी इन तीनों में से 2 सही बताते हो तो आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई कर दिए जाओगे, 1 गलत होता तो। अगर आप सभी 2 गलत बता के 1 सही बताते हो तो आप सभी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। माली में मेरे दोस्त आप सबको विशेष ध्यान देना है कि नॉलेज ऑफ शीट, मतलब आपको नॉलेज रहना चाहिए फूल वगैरह के बारे में, कौन से फूल कैसे हैं, कैसे लगाया जाता है, ये सब आपको
करवाना चाहिए। और चार चीज आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे चार चीज पूछा जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे तीन सही न सही बताना ही होगा। और पेड़ कैसे लगाया जाता है और फूल वगैरह, मतलब कितने प्रकार फूल वगैरह होते हैं, मतलब ये सब आपको माली में आना चाहिए, ठीक है। आपसे विशेष ध्यान दीजिएगा। बात आती है वेल्डर की, वेल्डर में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, तीन चीज़ आपसे पूछेंगे, ठीक है। वेल्डर तो ITI वाले बच्चे अप्लाई किए होंगे, यहाँ पे आपसे तीन चीज़ पूछेंगे, ठीक है। ये पूछेंगे। अगर आप दो यहाँ पे सही बताते हो, एक गलत बता दिया, दो आपने सही बता दिया, तो आप सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। आपने दो गलत बता दिया, एक सही बता दिया, तो आप सभी यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। गैस वेल्डिंग वगैरह बारे में आपसे पूछेंगे प्रैक्टिकली। देखो यहाँ पे लिखा गया है मेरे दोस्त, ये देखिए प्रैक्टिकल, मतलब आपको वहाँ पे सामान दिया जाएगा, सब कुछ आपसे करवाया जाएगा, तो आप सभी वहाँ पर सही से करिएगा, तभी आप सभी यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पे TETS PET PST एंड डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई करेगा, उन्हीं का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। और रिटर्न एग्जाम आपका कुछ इसी प्रकार से होने वाला है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आने वाला है ऐसे करके, ठीक है। दो घंटे का आपको समय मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, आसानी से आप सभी इसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया है, TETS भी क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन भी क्वालिफाई कर लिया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप सभी आगे आने वाले दिनों में फिजिकल देने जाने वाले हैं, तो आप सभी किस तारीख को आपका फिजिकल है, किस सेंटर पर, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास भी इस चैनल पर आने वाली है CISF TETS को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।